कांग्रेस ने मनाया 135वां स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। नालछा ब्लॉक कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। ब्लॉक मुख्यालय नालछा में कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि इस स्थापना दिवस के मद्देनजर ब्लॉक मुख्यालय नालछा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी की 135वें स्थापना दिवस के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नालछा द्वारा शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद इंदुरकर ने संबोधन में कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आज के ही दिन 1885 में पार्टी की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि जिन सिद्धांतों पर पार्टी ने चलने का निर्णय लिया था, आज भी पार्टी उसी सिद्धांत और विचारधारा पर आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश और पूरे विश्व की शांति और तरक्की के लिए वचनबद्ध रही है। इस आयोजन में उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश फौजदार, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किरण गिनावा, बिन पटेल, विनोद इंदुरकर, संदीप यादव, मेहताब कटारे, ओम प्रकाश ग्वाल, सीताराम पाल, सोहन हेडरी, दादू ठाकुर, लकी सेन, पीयूष ग्वाल, पप्पू बाबर, रमेश सिंगारे आदि उपस्थित थे। धार जिले के नालछा से विनीत जी की रिपोर्ट। क्या आयोजन था आज? आज कांग्रेस का स्थापना दिवस था। इस उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता होते हुए कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। आपका नाम? लक्की सेन।